बल्कि एक और शाहीन मौजूद है हमारे साथ, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फिजान। फिजान क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी कर? मैं मैस कॉम कर रहा हूँ यूसीबी से। तो क्या बनने का इरादा रखते हैं? एंकर बनेंगे? नहीं, एंकर तो नहीं बनूंगा, बस डिग्री करनी थी तो इसलिए बस मैंने डिग्री करनी। तो कुछ किसी भी फील्ड में घुस जाओ बस किसी भी फील्ड में। तो बनने का इरादा होता है एक इंसान का, उसके मुताबिक इंसान फील्ड चूज करता है। बनने का इरादा तो मेरा जहाज है। अब जहाज कैसे बनेगा? वो 60 रुपए में तैयार हो जाता, लेकिन नहीं वो नहीं बनना, क्योंकि मुल्क हालात बहुत पहले ही खराब है। क्या बनने का इरादा है फिर? मैं इंशाल्लाह यही बनूंगा, आर्टिस्ट ही। ऐसे क्या? अच्छा, वैसे स्टडी तो मेरी भी बिजनेस डिपार्टमेंट किया, मैंने BBIS किया हुआ, लेकिन मैं देखें किस फील्ड में हूँ। तो आई थिंक स्टडी मैटर नहीं करती, प्रैक्टिकल वर्क बहुत मैटर करता है। क्या आपने किस पे ज़्यादा एक्सपीरियंस गेन किया? हाँ बिल्कुल, जो आपकी लाइफ में आप जो आप करना चाहते हो ना, वो ये ज़रूरी है कि वो ही कर लो। ठीक है, जो आप ये नॉलेज बहुत काम आता है आपके हर जगह पे। वो तो नॉलेज वो पता चल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही बात है, जो आप पढ़ते हो वो तो आपके कभी ज़ाया नहीं जाता, वो तो आपके काम आता है। अच्छा, कुछ और हिडन टैलेंट क्या है आपके अंदर? टैलेंट कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही लाइफ गुजर रही है। अच्छा, और बगैर टैलेंट के साथ गुजर रही है। सही हो गया। कभी प्यार शेयर हुआ? नहीं, अल्लाह का शुक्र है नहीं हुआ। कितने साल के? हाँ, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हमारे लिए प्यार मोहब्बत ये इस पे हम बिलोंग नहीं करते। मिडिल क्लास बॉय अगर प्यार कर ले ना, आज तक अल्लाह की आवाज़ें आ रही है, वो अगर कोई बंदा ऐसा प्यार कर ले ना, तो मैं फिर कहती हूँ कि कोई अमीर की उसकी मोहब्बत भी रहना चाहिए। ऐसे ही है, ये बात तो है, लेकिन जो हम क्योंकि मैं UCB पढ़ता हूँ, तो उधर जो है ना क्लास बहुत हाई आती है, तो हम उनके नखरे नहीं उठा सकते, इसलिए हम इस चक्कर में पढ़ते ही नहीं है। वो ये चीज़ है ना, पैसा दे, पैसा फेंक, तमाशा दे। हाँ, तो वही सीन है, वही सीन है, वही सीन है। लेकिन हम वो नहीं कर सकते, उस वजह से लेवल पे आएंगे कि इन्वेस्ट कर सकेंगे किसी पे? वो करेंगे हम जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, उसके बाद देखेंगे ये काम। अच्छा जी, तो शादी कब तक करेंगे आप? शादी मैं तो कह रहा हूँ कल ही हो जाए, लेकिन हालात कुछ ऐसे नहीं है शादी हो। शादी करने के लिए कुछ बनना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, शादी तो ऐसे नहीं हो जाती। जो हमारा सोसाइटी है वो कहती है पहले अपने लिए कुछ करो, फिर उसके बाद आपको शादी करो। तो इतने खुश नहीं है, वो कहते हैं शादी नहीं होनी चाहिए। वो ये है कि वो कहते हैं ना कि शादी का लड्डू ऐसा है, जो खाता वो भी पछताता, जो नहीं खाता वो भी। हम क्या चाहते हैं कि हम खा के पछताएं फिर, ऐसे तो ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि आपको तो किसी से प्यार नहीं हुआ, कभी किसी लड़की को आपसे मोहब्बत हुई है? वो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अब उसके दिल में होगा। मेरे साथ किसी ने आके कहा नहीं है, मुझे प्रपोज नहीं किया। अच्छा, क्या मुझे किसी ने प्रपोज नहीं? नहीं, आज तक कभी ऐसा। कैसी लड़की चाहिए आपको? मुझे अभी फिलहाल सोचूंगा किस तरह की चाहिए। वो तो हम क्योंकि फिर भी एक होता है ना। हाँ, वो तो अब नॉर्मल अच्छी लड़की हो, संस्कारी हो। संस्कारी लड़की, ओ माय गॉड, संस्कारी लड़की कहते किसको है? वही वैसे जो शरीफ हो बस। आजकल है वैसे शरीफ? आजकल जो हालात है ना, और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ में मैं पढ़ता हूँ, जो मैं देखता हूँ, उस हिसाब में यही UCP, तो उधर जो सिचुएशन है, मुझे लगता नहीं है कि आजकल कोई लड़की शरीफ और संस्कारी। सबको हिदायत है। तो आप, बड़ा दुख की बात है, आज तक आपको कोई पसंद नहीं आया, किसी ने आपको पसंद नहीं किया। इधर देखिए ना, दो दो शादियाँ चल रही है। हाँ, लेकिन ये है कि वो सारी बात आ जाती है ना कि पैसे की। बाबा कायदा से एक ऐसी चीज़ है, वो जिसके पास है ना, प्यार भी उसी का है। हाँ, सब कुछ उसी के पास ही है। बाबा कायदा से रह गए, डॉलर की गेम है ब्रो। वो तो एक अलग चीज़ है ना, लेकिन हमारे मुल्क में तो बाबा कायदा से ही चलता है। अच्छा, मुझे बताइए, शादी पे एक रस्म होती है रास्ता रोकने वाली, कि दूल्हे को तभी एंटर होने दिया जाएगा, इस रस्म के बारे में आपका क्या कहना है? रस्म अच्छी है, बस दूल्हे का नुकसान होता है और कुछ नहीं होता, और उनका फायदा। डिमांड करते हैं 50,000 से तो शुरू होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वो दूल्हे को बस वो एक कहते हैं ना, फटीक पड़ जाती है और कुछ भी नहीं होता रस्म से कोई फायदा। अगर आप सोचते हैं कि आपकी 10 लाख में शादी हो सकती है एक नॉर्मल इवेंट, तो आपको 3-4 लाख ऊपर रखना पड़ेगा सिर्फ इन रस्मों के लिए। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, और इसका कोई फायदा आज तक मैंने देखा नहीं है कोई फायदा हो। बस ये लड़की वाले पैसे बटोर रहे होते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल रहे होते हैं शादी के। ऐसे ही, ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। सही हो गया, जबरदस्त। जब आपका कभी मूड खराब होता है तो कैसे सही होता है? बस खुद ही कर लेते हैं, क्योंकि हमें कोई मनाता नहीं है कि आप मूड ठीक कर लो। आपको बताया ना, जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, तो खुद ही करना पड़ता है, कोई ऐसा आता नहीं है कि आप ये कर लो वो कर लो, खुद ही खराब हो। बच्चे आप? नहीं, मैं सेकंड लास्ट। तो फिर छोटे वालों पे तो बड़ा जुल्म ढाते होंगे आप? नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, जुल्म नहीं करते हम, क्योंकि हम प्यार करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम जुल्म से बिल्कुल खिलाफ हैं। कोई शेर, कोई शायर, वो गाना कुछ भी सुना दे इसके साथ। नहीं, ऐसा कोई टैलेंट है नहीं है हमारे पास, तो टैलेंट है नहीं, इतना मुंह बनाया इन्होंने इस बात पे। तो बस क्या कहना चाहेंगे देखने वाले?
मैं देखने वालों को यही कहना चाहूँगा कि पैसा कमाओ, डॉलर कमाओ, फिर उसके बाद सारा कुछ करो, उसके बाद लड़की मिलेगी। ऐसे ही है, उसके बाद लड़की मिलेगी और फिर आप इंजॉय करो अपनी लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।